हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास है एक कीपैड मोबाइल जो कि जियो कंपनी का दोस्तों। तो इसका मॉडल है, नंबर है, देखिए दोस्तों F320 मॉडल नंबर है दोस्तों इसका। तो इस मॉडल को हम ठीक करेंगे दोस्तों। तो इसमें खराबी क्या है, इसको फटाफट खोलते हैं, दिखाते हैं आपको इसमें खराबी क्या है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले इसको एक बार बैटरी डाल के देखेंगे दोस्तों, इसको चार्जिंग लगा के। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों, चार्जिंग प्रॉब्लम आया तो इसको देखेंगे चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है दोस्तों। देखिए इसमें हमने चार्जर लगाया है तो जो कि ये चार्जिंग नहीं हो रहा है, शो नहीं कर रहा है। तो इसकी फटाफट रीडिंग चेक करेंगे, इसके अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है इसकी बैटरी की। तो दोस्तों लगाते हैं इसको, और मीटर मल्टीमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज कितनी है कितनी नहीं है दोस्तों। वोल्टेज चेक करके पता लग जाएगा दोस्तों। देखिए तो वोल्टेज में एक वोल्टेज के करीब आ रही है दोस्तों, 1.5 वोल्ट से भी कम आ रही है। तो इसमें चार्जिंग नहीं होगा दोस्तों, लेकिन वोल्टेज बिल्कुल कम आ रही है। तो इसको खोल के देखते हैं, खोलने के बाद पता लगेगा इसमें दोस्तों पानी वगैरह लगा है या चार्जिंग पिन में प्रॉब्लम है क्या है, खोल के पता लगेगा। तो फटाफट इसका नट खोल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने इसको खोल लिया है, तो खोलने बाद हमने इसकी प्लेट बाहर निकाल लिया दोस्तों। देखिए तो इसकी आपको चार्जिंग जैक दिख रही होगी दोस्तों, दिखाता हूँ एक बार साफ करके थोड़ा इसमें। तो देखिए दोस्तों इसकी जो चार्जिंग जैक है पहले भी लगी हुई है। तो देखते हैं एक बार इसको चेक को चेंज करके, शायद चेंज करने से ही काम चल जाए दोस्तों। अगर चेंज करने से काम नहीं चला, अगर और कोई दिक्कत होगी तो वही बताएंगे आपको स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हमें जैक उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जिसका कीपैड पता है तो इसको उतार लेंगे दोस्तों। अगर इसको आप नहीं उतारोगे तो ये जल सकता है, तो इसके ख़राब हो सकते हैं बटन, इस करके इसको बढ़िया यही है कि इसको उतार लें। तो इसके जैक को उतारेंगे दोस्तों, दिखाएंगे जैक को कैसे उतारेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जैक उतारेंगे इसकी, और ये हमने एक सर्जिकल ब्लेड है यहाँ पर रख लिया ताकि इस हैंडल को रखने से क्या होगा दोस्तों, इसके नीचे माइक रखा हुआ है, देखिए माइक के ऊपर रखा हुआ ताकि इस पर जब हम हीट करेंगे इसकी जैक को उतारेंगे तो वो हीट है जो माइक पर ना लगे और ये माइक सही रहे और जैक हमारी सेफली उतर जाए। तो देखिए दोस्तों इसको आराम से उतार लेते हैं, इसको हल्के हल्के हिट करेंगे। हिट करने से क्या होगा दोस्तों, जब सोल्डरिंग पिघल जाएगी तो जैक हमारी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी दोस्तों। अगर जल्दबाजी करेंगे, ज़्यादा जल्दी से उतारने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो प्रिंट फट सकते हैं प्लेट के। तो इस करके जिन जैक पे जब तक हिट करनी है जब तक वो जैक अपने आप बाहर ना आ जाए दोस्तों। तो देखिए जैक हमने सिंपली उतार लिया दोस्तों। तो अब इसके जो प्रिंट देखते हैं, प्रिंट भी बिल्कुल साफ लग रहे हैं। तो इसको फटाफट क्या करते हैं दोस्तों, जो प्लेट है इसके जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वो उतार के प्रिंट से तो इस पर जैक लगाएंगे। तो देखिए हमने इसको उतार लिया, यहाँ से साफ़ कर लिया, और आपको दिखाते हैं जैक कैसे लगानी है दोस्तों। तो देखिए जो कि हमने जैक ली है, इसके नीचे हमने सोल्डरिंग की है दोस्तों। इस सोल्डरिंग क्यों की है ये भी आपको बताते हैं। सोल्डरिंग इसलिए की है दोस्तों, कई बार क्या होता है जैक है जब चार्जिंग लगाते हैं तो जैक लूज हो जाती है, नीचे जो जॉइंट होता है वो खुल जाता है जिसके कारण चार्जिंग बिल्कुल लूज आता है और हिल के चार्जिंग होता है। तो इसलिए हमने नीचे सोल्डरिंग की है, और ये सोल्डरिंग करने का एक बेनिफिट और मिलेगा, जो हमारी प्लेट है प्लेट के ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे दो प्रिंट दिए गए, इन पे ये सोल्डरिंग अटैच हो जाएगी जिससे कि हमारी जैक बिल्कुल मजबूती से लग जाएगी। और बाकी जो चार प्रिंट हैं, चार पिने हैं जो उसकी, वो भी लगा देंगे, और बाकी पांच पिने हैं उनको भी लगा देंगे। तो प्लेट को भी हमने यहाँ से खाली कर लिया जिससे कि बिल्कुल सही तरह हो चुकी है। अब जैक लगाना बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए इस पर सिंपली रखेंगे, रखते देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी इसको, क्योंकि हमने इसके होल थे जो चार होल दिए गए थे वो बिल्कुल खाली कर चुके हैं यहाँ से। तो देखिए अब बिल्कुल सही तरह ये लग जाएगी यहाँ पे। तो इसको फटाफट लगा के दिखाते हैं आपको, लगाने के बाद ये कैसी दिखेगी दोस्तों। तो लगाते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करते रहे दोस्तों वीडियो को, और कंप्लीट देखा करें तभी आपको पता लगेगा। तो हमने इसमें देखिए जैक लगा लिया, और जैक लगाने के बाद हमने चार्जर लगाया। तो ये चार्जर लगाते हैं दोस्तों, क्या होगा जो हमारा मोबाइल है ऑन हो जाएगा दोस्तों चार्जिंग लगाने से। तो इसका मतलब हमारी चार्जिंग जैक है जो सही तरह लग चुकी है, और इसमें इसको फटाफट फिट करके दिखाते हैं दोस्तों। फिट करके देख लेते हैं चार्जिंग वगैरह लगा के ये सही तरह काम करेगा नहीं करेगा दोस्तों, और एक बार आपको वोल्टेज भी चेक करवा देते हैं। तो जैक लगाने के बाद क्या वोल्ट आई है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर जैक आई है दोस्तों। कर लेते हैं इसको फिट, जो कि ये चार्जिंग तो शो कर रहा है, और अब फ़ोन को इसमें प्लेट में फिट कर लेंगे तो इसका पत्ता वगैरह जो जैसे हमने खोला था सिंपली वैसे फिट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने फोन को फिट कर लिया है, अभी हम चार्जर लगा के देखते हैं दोस्तों चार्जिंग होगी नहीं होगी दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों जिसने अभी तक नहीं किया है। और वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।